सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने आज नई गाइडलाइंस जारी की। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस 1 से 31 दिसंबर तक लागू होंगी। नई गाइडलाइंस में सामाजिक दूरी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। गाइडलाइंस में राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में नियम सख्त बनाने को कहा गया है। भीड़ नियंत्रण और सामाजिक दूरी को अनिवार्य किया गया है। कंटेनमेंट जोन में नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइंस में किसी भी समारोह में लोगों के शामिल होने की सीमा अधिकतम 200 तय की गई है, लेकिन राज्यों को अधिकार रहेगा कि वो चाहें तो इसे घटाकर 100 या इससे भी कम कर सकते हैं। कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइंस के बाद राज्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने और मास्क न पहनने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। यूपी के मेरठ में एक शादी में ज्यादा मेहमान बुलाने पर दूल्हा दुल्हन के परिवार और बैंक्वेट हॉल के मालिक पर केस दर्ज किया गया। वहीं नोएडा प्रशासन ने शादियों पर गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत शादी में सिर्फ 100 मेहमान ही शामिल होंगे। सभी मेहमानों को फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। समारोह में सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। आयोजन की जानकारी प्रशासन को देनी होगी। शादियों को लेकर दिल्ली सरकार ने सिर्फ 50 लोगों को अनुमति दी है। इससे ज्यादा लोग बुलाए जाने पर FIR दर्ज हो सकती है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रशासन ने मास्क न पहनने वालों पर ड्रोन से नजर रखने और चालान काटने का फैसला लिया है। इस बीच देश में कोरोना के मामले आज 92 लाख के पार पहुँच गए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 44,376 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 481 लोगों की मौत हुई, 37,816 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 93.71% हो गया है। ये तो सारा रिकॉर्डिंग और फुटेज है। RJD ने नीतीश सरकार गिराने की साजिश को खारिज करते हुए पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के कथित ऑडियो को झूठा बताया है। ये ऑडियो BJP नेता सुशील मोदी ने ट्विटर पर शेयर किया। सुशील मोदी ने दावा किया कि लालू यादव ने जेल से ही BJP विधायक ललन पासवान को सरकार गिराने का लालच दिया था। पासवान जी बधाई जी प्रणाम चरण स्पर्श आपका। ठीक है, अच्छा सुनो, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पार्टी में नहीं सर, नहीं क्या। लेकिन RJD ने कहा कि लालू का फर्जी ऑडियो खुद BJP ने बनाया है। तो लालू जी की आवाज निकाल करके जिन लोगों ने इस समय का इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, जो स्वयं राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हैं, पॉलिटिकल क्वारंटीन हो चुके हैं इन दिनों में, वो अपना रिवाइवल खोज रहे हैं लालू जी के नाम। इसी हंगामे के बीच BJP के विजय कुमार सिन्हा को आज बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी पर RJD ने हंगामा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोरोना से पीड़ित अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट करके पिता के निधन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हो। उन्होंने अपने जीवन के कई साल समाज की सेवा में बिताए। अपने तेज दिमाग के लिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी। अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी शोक जताते हुए लिखा, अहमद पटेल के रूप में मैंने एक सहयोगी को खो दिया है जिसका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित था। मैंने एक अपरिवर्तनीय कॉमरेड, एक वफादार सहयोगी और एक दोस्त खो दिया है। अहमद पटेल के पार्थिव शरीर को शाम 6 बजे वडोदरा ले जाया गया। कल सुबह करीब 9 बजे उनके पैतृक शहर भरूच में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लव जिहाद पर मध्य प्रदेश सरकार दिसंबर के विधानसभा सत्र में कड़ा कानून ला सकती है। शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद के मामलों में अधिकतम सजा 5 की बजाय 10 साल करने पर सहमति जताई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून को कैबिनेट जल्द मंजूरी देगी। तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा भी होगी। लव जिहाद पर कल यूपी सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दी थी। यूपी के अध्यादेश में भी लव जिहाद के केस में अधिकतम 10 साल सजा का प्रावधान है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि हरियाणा सरकार जल्द कानून लेकर आएगी।
दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। चार्जशीट में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों का रिमोट कंट्रोल बताया है। 930 पन्नों की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली पुलिस का कहना है कि जेएनयू में 2016 में हुई देश विरोधी घटना के बाद से ही उमर खालिद ने दंगों की योजना बनाई। 930 पन्नों की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली पुलिस का कहना है कि जेएनयू में 2016 में हुई देश विरोधी घटना के बाद ही उमर खालिद ने दंगों की योजना बनाई और 2020 में इस योजना को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि उमर खालिद आरोपी शर्जील इमाम का गुरु था। खालिद ने ही शर्जील को मुसलमानों को भड़काने की जिम्मेदारी दी थी। शर्जील इमाम के बारे में चार्जशीट में कहा गया है कि वो गजवाए हिंद लाना चाहता था। इसके लिए उमर खालिद की सलाह पर शर्जील ने मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू ग्रुप बनाया था, जिस पर वो भड़काने वाली बातें लिखा करता था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और फैजान खान के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। इन धाराओं में आरोप साबित होने पर 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। नए कृषि कानून के विरोध में पंजाब के किसान दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने वाटर कैनन का सहारा लिया। वहीं चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे को भी सील कर दिया गया है। हाईवे पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। उधर किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली गुरुग्राम रोड पर लंबा जाम लग गया। किसानों के लिए मोदी सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं, जिसमें किसानों को छूट दी गई है कि वो मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं, जिसका पंजाब के कुछ किसान विरोध कर रहे हैं। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा और ना ही एमएसपी। केंद्र सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए 3 दिसंबर को बुलाया है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.